राघवन, तो हम बात कर रहे थे अनदर बेनिफिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ सेफगार्डिंग एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो आप इसके नोट्स भी बना लो, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो हम कर रहे थे द फिजिकल एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी स्टॉलन, मिस यूज और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, है ना, एक्सीडेंटली। मतलब हम कहते हैं कि मान लो कंपनी में आग लगेगी तो सारा डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंटली, ना, हो सकते हैं, इफ नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय एडिक्वेट कंट्रोल्स, द सेम इज ट्रू ऑफ नॉन फिजिकल एसेट्स, द सेम इज ट्रू ऑफ नॉन फिजिकल एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स हैज बिकम इंक्रीजिंगली सॉरी एसेट्स सच एज अकाउंट्स रिसीवेबल, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसके जैसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल, जैसे कौन से हो जाते हैं पर गवर्नमेंट के जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि जो ये एसेट्स रिकॉर्ड्स है ना, कि ये फिज़िकल एसेट्स, जैसे हमने बात की कंप्यूटर, फर्नीचर हो गया है ना ऑफिस का, है ना, ऐसे ये चीज़ें भी चोरी भी हो सकती हैं, इनका मिसयूज़ भी हो सकती हैं, और ये एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर इन्हें मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना की हमने, मतलब सिक्योरिटी ना यूज़ की, कंट्रोल ना लाए, है ना, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। बेनिफिट है ये मेन। द सेम इज़ ट्रू ऑफ नॉन फिजिकल एसेट्स, ठीक है, जो मतलब हमें दिखती नहीं है, है ना, जैसे हम रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, वो चोरी भी हो सकते हैं, किसी और कंपनी को, ओपोजिशन पार्टी को भी सेंड किए जा सकते हैं, उनका मिसयूज़ ऐसे किया जा सकता है ना, या फिर वो इतने ज़रूरी हैं बट वो डिस्ट्रॉय हो गए, मान लो कंप्यूटर हम कह सकते हैं वो चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को सेफ रखने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है। सो इस तरह से देखा जाए तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।